आप कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सेपरेट करेंगे? क्या सच में टाइम एग्जिस्ट करता है? क्या टाइम सिर्फ फॉरवर्ड में ही मूव करता है? क्या ये कोई और डायरेक्शन में भी चलता है? ओके, सब क्वेश्चंस को भूल जाइए और थोड़ा शांत होकर बैठिए, क्योंकि टाइम को लेकर ये वीडियो आपका होश उड़ाने वाला है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस के लिए क्यूरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पहली बार पब्लिश किया, जो कि टाइम को लेकर हर एक अजम्पशंस को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने बताया कि फिजिक्स का लॉ हर किसी नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होता है, यानी वो ऑब्जर्वर्स जो मूव नहीं करता है। इसका मतलब, जब आप देखते हैं कि कोई कार आपके सामने से गुजर रहा है, तब आपको लगता है कि वो कार और उसमें बैठे ड्राइवर कार के सेम स्पीड में ही मूव कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का स्पीड रिलेटिव है आपकी पोजीशन से। क्योंकि आप जमीन में खड़े होकर उस कार को मूव करते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कार के अंदर वो पैसेंजर खुद को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझेंगे, क्योंकि उन लोगों का मोशन और कार का मोशन बिल्कुल सेम है। लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिव मोशन यूनिवर्स के हर एक चीज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस रिलेटिविटी में एक एक्सेप्शन था, वो है लाइट। लाइट एक ऐसा चीज है जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड में ट्रेवल करता है। यही दो प्रिंसिपल की वजह से आइंस्टाइन को टाइम और स्पेस के बीच में एक कनेक्शन मिला, जिसको कहा गया स्पेस टाइम। और बहुत सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स में से ये एक था कि कैसे टाइम गुजर जाता है। ये दो ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि एक दूसरे से कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है। इसीलिए दो ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम का दो एक्यूरेट पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण होना संभव है, लेकिन उन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए। तो किसकी घड़ी सही है और कौन गलत? नहीं समझे? ओके, तो इसे थोड़ा सिंपली समझते हैं। अगर आपके घड़ी में जो भी टाइम हो रहा है, दुनिया के किसी और हिस्से में, किसी दूसरे टाइम जोन के किसी के घड़ी में जो टाइम अभी दिखा रहा है, तो क्या वो गलत है? नहीं, बल्कि आप दोनों का टाइम ही सेम है, क्योंकि दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स इस चीज़ का एक अच्छा खासा प्रूफ है कि आपकी घड़ी और दुनिया के किसी दूसरे तरफ किसी और का घड़ी हर दिन अलग अलग टाइम को रीड करता है। हम समय के गुजरने को एक ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल की तरह देखना चाहते हैं, जबकि हम सभी थोड़े बहुत इस सिस्टम या कॉन्सेप्ट को मानते हैं हमारे डेली लाइफ को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। लेकिन जहां पर टाइम एक बहुत ही अच्छा टूल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ट्रैक करने के लिए, वही टाइम का एक्चुअल नेचर इतना भी इजी नहीं है। सिंपली समझे तो टाइम एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। जब आप ये समझेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे? जब आप आसमान में देखते हैं, तब आप शायद प्रॉक्सिमा सेंटोरी को पॉइंट आउट कर पाएंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सन के बाद अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, और ये सिर्फ 4 लाइट ईयर्स यानी 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। तो जो लाइट
आप आज देख रहे हैं वो लाइट एक्चुअली 4 साल पुराना है हमारे टाइम में। लेकिन अगर प्रॉक्सिमा सेंटावरी एक्सप्लोड हो जाए तो हम उस एक्सप्लोजन के बारे में 4 साल बाद जान पाएंगे, क्योंकि लाइट का स्पीड कांस्टेंट है चाहे आप यूनिवर्स के किसी भी जगह पे मौजूद हो। एक और बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि जितना जल्दी या जितना फास्ट आप मूव करेंगे, टाइम नॉर्मल से उतना ही स्लो चलेगा। एक एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 साल बिताया था, और जब वो धरती पर वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि उनका ट्विन ब्रदर से उनका एज 13 मिलीसेकंड कम हो गया था। अभी आप सोचिए कि कोई एक एस्ट्रोनॉट 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर कोई भी एक प्लैनेट पर मौजूद है। इसका मतलब उस एस्ट्रोनॉट का प्रेजेंट आपके 4 साल पहले चल रहा है, यानी जो दिन वो आज बिता रहा है वही दिन आप धरती में 4 साल बाद बिताएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जो दिन आज आप धरती में बिता रहे हैं वही दिन वो 4 साल पहले ही बिता चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लेकर थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इसे लेकर एक थ्योरी भी मौजूद है जिसका नाम है मूविंग स्पॉटलाइट थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली कहता है कि सिर्फ एक एब्सोल्यूट प्रेजेंट मौजूद है जो मोमेंट बाय मोमेंट चेंज होता है, जैसे कि एक स्पॉटलाइट मूव करता है। तो इस इंफॉर्मेशन से आप ये कह सकते हैं कि टाइम का पैसेज शायद एक इल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव पास्ट, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट या ऑब्जेक्टिव फ्यूचर मौजूद नहीं है। इल्यूशन ऑफ द टाइम हमारे यादों से या हमारे मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे अपकमिंग प्लान से बनता है, जो कि हमारे लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में चलने में मदद करता है। लेकिन ये सिनेरियो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हैं और आप कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। वो सीक्वेंस पूरा डिफरेंट होगा पहले वाले सीक्वेंस से। तो अगर आप न्यू एज पसंद करते हैं या किसी नॉस्टैल्जिक या आप प्रेजेंट सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, घबराइए नहीं, आपके लिए भी कोई ना कोई जगह इस पूरे यूनिवर्स पर मौजूद है। हाँ, ये बात है कि आपको वहाँ पर पहुँचने में 100 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन अगर आप बहुत ही फास्ट ट्रैवल करेंगे तो आप उस जगह पर बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। तो अगर अभी आपसे कोई टाइम के बारे में पूछे तो आप उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।